Hind and welcome back to your favorite real estate channel, Realtors Next Door. In this serene, beautiful, and lovely background, today I have come to Sun City Platinum Tower to show you an even more beautiful, a serene, and a luxurious product. This one, built by Sun City, is a low density project in the heart of Gurgaon. If you are someone who wants to move out of Delhi and come to Gurgaon, but wants to stay connected with Delhi, then this is the place to be. सिक्स टावर्स इन दिस बिल्डिंग 23 फ्लोर्स ऑन इन ईच टावर थर्टीन फ्लोर ना होने की वजह से 22 फ्लोर हैं हर टावर में दो अपार हर फ्लोर पे दो अपार्टमेंट हैं तो 44 अपार्टमेंट हर टावर में छह ऐसे टावर यानी 264 अपार्टमेंट साढ़े पाँच एकड़ का आपका टोटल लैंड पार्सल तो पर अपार्टमेंट पर एकड़ आपके पास है बावन अपार्टमेंट मैं खड़ा हूँ आपके बाईस हजार स्क्वायर फुट के क्लब एरिया के सामने इस क्लब एरिया में आपको मिलने वाले हैं दो स्विमिंग पूल दिस वन फॉर द किडीज दिस वन फॉर द एडल्ट्स। साथ ही साथ आपको मिलने वाला है एक कैफे एक मेडिटेशन रूम एक योगा रूम एक टेबल टेनिस कोर्ट एक बैडमिंटन कोर्ट एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट एक मूवी थिएटर एक रीडिंग रूम एक सोना एक स्पा एक सलोन एक डेली है भगवान घर में रहोगे या अपना टाइम क्लब हाउस में ही निकाल दोगे आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई या मैं हमेशा आपको गुड़गांव के सेंटर में गोल्फ कोस रोड के आसपास रहने की हिदायत देता हूँ ये गोल्फ कोस रोड के बहुत ही पास है एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको अच्छी फिनिशेस, बढ़िया लोकेशंस और बहुत तगड़ी एमिनिटीज़ मिल सकती हैं अब आप में से बहुत सारे लोग हमेशा से टॉप फ्लोर टेरेस टॉप फ्लोर टेरेस मांगते थे तो आज जो आप लोग हताश हो गए हैं देखिए मैं आपके लिए इतनी सारी अमेनिटीज बिना एक टॉप फ्लोर टेरेस के ले आया हूँ सन सिटी प्लेटिनम टावर में मेरे पास थ्री बी और फोर बी के दोनों के यूनिट्स अवेलेबल हैं अगर आपके पास कुछ रीसेल के यूनिट्स अवेलेबल हैं तो नीचे दिया हुआ है नंबर आप जल्दी से मुझे कॉल कर लें और अब आपका टाइम और बेकरारी दोनों बढ़ती जा रही होगी चलिए सीधे लेके चलता हूं जीत हो ललचाई रहा है अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आ, ये वीडियो हर होम बायर के साथ शेयर करो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था इस अपार्टमेंट में आपको मिलती है बिल्डर फ्लोर की मेक और अपार्टमेंट की सिक्योरिटी तभी हम आपके थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कराने आपको यहां सनसिटी प्लेटिनम टावर में लेके आए हैं इस घर का लेआउट बहुत सिंपल और बहुत यूनिक है सबसे पहले आता है आपका पाउडर रूम देखिए अभी जो जो आपको घर में दिख रहा है वो सब आपको नहीं मिलेगा आई विल टेल यू वॉट ऑल यू विल गेट उसके बाद आता है आपका बेडरूम नंबर वन

Uh, आ जाइए अपनी पूजा स्पेस देख लीजिए पूजा स्पेस देखने के बाद देखिए बेडरूम नंबर टू उसके बाद आइए बेडरूम नंबर थ्री के अंदर जो कि है आपका मास्टर बेडरूम जल्दी से आ जाइए दरवाजा आपने आप बंद होता जा रहा है लेकिन आप घुस चुके हैं कमरे के अंदर ये देखिए कमरे का स्पेस एक्सपेंस बहुत बढ़िया है अभी आपको डिटेल में कमरे समझाऊंगा चलिए अपने बाथरूम के अंदर रूम्स आर कनेक्टेड टू द बेल्कनी घर में सनलाइट और वेंटिलेशन की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है uh, एक साइड से बैल्कनी के आपको पूल के व्यूज मिलेंगे दूसरी साइड से आपको सिटी uh, के व्यूज मिलेंगे दिस इज रूम नंबर फोर चलिए अपना बाथरूम यहां भी देख लीजिये देखिए दिस इज अ शो अपार्टमेंट द साइज ऑफ दर्टी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी स्क्वायर फीट लोडिंग एफिशेंसी यहाँ की काफी अच्छी है uh, आपको यूजेबल एरिया मैं चेक करके बता देता हूं कि कितना मिलता है ताकि बाद में कोई गलतियां ना निकाले uh, तो आपका सेलेबल एरिया है 3150 स्क्वायर फीट आपका यूजेबल एरिया आता है 2460 स्क्वायर फीट टू साइड ओपन होने की वजह से वेंटिलेशन और सनलाइट इस अपार्टमेंट में भरपूर रहने वाली है अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा मेक का अपार्टमेंट तो देखा नहीं ये शो फ्लैट है आपको मिलने वाली है यहां पे आपकी फ्लोरिंग आपकी फॉल्स सीलिंग आपकी एयर कंडीशनिंग लाइटिंग ये सैंडलियर नहीं है ये वाली लाइटिंग उसके बाद आपको मिलने वाले हैं आपके दरवाजे ये जो पैनलिंग हो रखी है ये जो फर्नीचर लगा हुआ है ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं और जो आप मॉड्यूलर किचन देखेंगे वो आपको जो प्राइस रेट हम ऑफर कर रहे हैं छब्बीस हजार एक सौ नब्बे रुपए का पर स्क्वायर फीट ये आस्किंग प्राइस है इसमें इंक्लूड नहीं होगा बट जब आप ये घर लेने आएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है वी कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स कस्टम फॉर यू लेट्स एंट्री फॉर एंट्री फॉयर आपका है कुछ फुट वाइड ये छः फुट वाइड जगह है आप देख सकते हैं अच्छी चौड़ी जगह है यहां पे टेबल लगाइए यहां पे अपना कोट हैंगर्स लगाइए फॉर योर विंटर्स Uh, यहाँ पे uh, इन्होंने uh, ये सिरेमिक के फूल बना रखे हैं यहाँ पे आप अच्छी सी कोई पेंटिंग कोई आर्ट इफेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं घर के अंदर घुसते ही आपका पाउडर रूम है पाउडर वॉशरूम है uh, आपके जितने भी सैनिटरी वेयर के अप्लायंसेज हैं दे आर बाई टोटो सो टोटो इज द सैनिटरी वेयर पार्टनर एंड इट इज हंस ग्रोहे सो टोटो हंस ग्रोहे बोथ आर वेरी 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 गुड कंपनीज वेन इट कम्स टू बाथरूम फिटिंग्स लगरों की आपकी लाइटें हैं ये जो लाइटिंग और स्विचेस हैं ये लगरों की हैं ठीक है जी आपने अपना पाउडर रूम देख लिया है आपको अपने फॉयर की जगह पता लग गई है चलिए आपको फॉयर की जगह मैं फिर से बता देता हूँ आपके पहले कमरे से लेके आपकी एंट्री तक तेरह फुट बाई पांच फुट तो मतलब पचासी फुट की ये जगह है यहां तक यहाँ तक पचासी फुट की जगह uh, है ये आपका एंट्री वॉक थ्रू है घर के अंदर वहां से आप घुसे पाउडर रूम अंदर है और ये एरिया है इस एरिया को आप जिस भी तरीके से जाएं उस तरीके से डेकअप कर सकते हैं आ जाइए अपने कमरे के अंदर दिस इज फर्स्ट बेडरूम अब क्या होता है हाल फिलहाल में अपार्टमेंट्स में ये देखा जा रहा है कि साइजेस छोटे होते जा रहे हैं बिस्तर लगने के बाद जगहें नहीं बच रही ये कमरा 140 फुट का सिर्फ कमरा है दिस इज जस्ट द रूम दैट इज 140 स्क्वायर फीट यहाँ पे बिस्तर लगने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं बिस्तर लगने के बाद देर आर एम्पल एडिकुट स्पेसिस वो वॉन्ट टू मूव अराउंड जो पैनलिंग वगैरह देख रहे हैं उसको देख के चकराइए मत ये आपको नहीं मिलेगा लेकिन इंटीरियर्स का काम आप इससे भी शानदार करा सकते हैं एल्यूमिनियम के दरवाजे शुको नाम की कंपनी के बाहर आपके पास इस बालकनी से हैं ये नज़ारे जी हाँ जनाब मैं आपको बार बार ये जब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बिल्डर फ्लो वाली मेक और एक अपार्टमेंट की फील मिलने वाली है तो आपने घर के अंदर का तो सामान ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख ही लिया है ये आपके घर से नज़ारे हैं सच अ कामिंग सच सूदिंग ग्रीन एंड पूल व्यू विथ अ लॉट ऑफ यू बिल्डर फ्लो बायर्स हु वॉच माई चैनल आई एम श्योर यू वुड लव टू स्विच टू दिस क्योंकि शहर के सेंटर में है uh, सारा कुछ uh, सारी यूटिलिटीज फैसिलिटीज पास में है दिल्ली से इंग्रेस इंग्रेस बहुत अच्छा है और साथ में ऐसी फिनिशेस और ये आपकी सोसाइटी uh, आ जाइए बाथरूम के अंदर बाथरूम में आपको मिलने वाला है सैनिटरी वेयर आपको मिलने वाला है ये पत्थर का काम वुडवर्क आपको नहीं मिलेगा ये कबर्ड्स आपको खुद बनवानी पड़ेंगी Uh, जो ये वेट एंड ड्राई एरियाज के सेपरेशन हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे ये आपको लगवाने पड़ेंगे वाइल्ड आई से दैट आई कैन गेट इट डन फॉर द फॉर यू बाय द कंपनी अब मैं आपको बेसिक एक बार साइजेस बता देता हूँ साइजेज आपके हैं बाथरूम का साइज है कुछ चौदह फुट की आपकी ल, लेंथ है और आपके बाथरूम की विथ है कुछ पाँच फुट तो 140 फुट का कमरा 70 फुट का बाथरूम साथ में 6 फुट चौड़ी आपकी बालकनी ये हो गया आपका रूम नंबर वन है ना मज़ेदार देखिए बिल्डर फ्लोर के बायर्स आ, आपकी वाइफ्स आपकी मदर्स और बहुत सारे लोग जो गुड़गांव में आपको जानते हैं वो कहते हैं गुड़गांव में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो लो ले आया हूँ मैं आपके लिए एक सिक्योर और बिल्डर फ्लोर की मेक जैसा ही अपार्टमेंट ये आ गया आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया के पूरे आपको मैं जरा डायमेंशन बता दू है थर्टी फीट इज द रनिंग लेंथ एंड द विथ इज अराउंड फोर्टीन फीट तो थर्टी बाई फोर्टीन चार सौ बीस फुट की आपको अपनी ड्रॉइंग डाइनिंग स्पेस में जगह मिलने वाली है यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ बैठ के मूवी सेशंस वर्ल्ड कप के मैचेस आईपीएल अभी खत्म हो गया है लेकिन अगले साल का आईपीएल देख सकते हैं सामने लगने वाला है आपका 80 इंच का टीवी पूरे घर में रनिंग बालकनी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट द अपार्टमेंट पूरे साइड बालकनी है हर जगह से लाइट आ रही है हमने तो लाइट ऑन कर रखी है बट लाइटिंग की कोई कमी नहीं है ड्राइंग एरिया आपने देख लिया एट सीटर डाइनिंग टेबल आपकी डाइनिंग एरिया में ये लग गया आपका कटलरी क्रॉकरी रैक जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ सर्विसेस करने के लिए जगह है पीछे है एस एल टावर अच्छा जो दो साइड के व्यूज है ना इसके एक अंदर का व्यू है एक बाहर का व्यू है बाहर के व्यू में एस एल टावर नाम की सोसाइटी बारहवें तेरहवें फ्लोर तक आपको दिखेगी अगर आप एस एल टावर के व्यू से फ्री होना चाहते हैं तो आपको थर्टीन फ्लोर प्लस में यूनिट्स लेना पड़ेगा ट्वेंटी थ्री फ्लोर टोटल इस प्लेटिनम टावर नाम की बिल्डिंग में है। आ जाइए अपनी किचन के अंदर तो आपका किचन पास करता है आपका ट्रायंगुलर टेस्ट ट्रायंगुलर टेस्ट क्या होता है आपकी हॉब एंड सिंक और आपका फ्रिज एक ट्रायंगल फॉर्म करे ताकि आपको खाना पकाते हुए यहां वहां ज्यादा ना हिलना पड़े ट्रायंगुलर टेस्ट रियलटर्स नेक्स्ट डोर का ये किचन तो पास कर रहा है बॉस आठ फुट की आपकी वेथ है ग्यारह फुट की लेंथ है नब्बे एक चौरानवे फुट की आपके पास यहाँ कुकिंग स्पेस है दो सिंक्स लगा सकते हैं आप वन फॉर योर वेजिटेबल्स दी अदर फॉर योर यूटेंसिल्स बहुत सारे बिल्डर फ्लोर्स में ये प्रॉब्लम आती थी कि वेंटिलेशन नहीं मिलती थी ना वेंटिलेशन जब नहीं मिलती थी आपको किचन्स के पास तो आप मुझे बोलते थे कि ऐसे घर क्यों दिखा रहे हैं लो ले आया हूँ मैं आपको ऐसे घर में जहाँ पर आपको क्लिनिंग एरिया वॉशिंग एरिया साथ में मिलेगा और एक बालकनी स्पेस भी मिलेगी जहाँ पर आप अपनी यूटिलिटीज़ के काम कर कर सकें प्लेटिनम टावर चार पांच साल पहले बनना शुरू हुआ था अब इसके पुराने रेटों पे ना जाएं आज के टाइम पे रीसेल की मार्केट में 24 पच्चीस हजार के आसपास और कंपनी के पास छब्बीस हजार के आसपास रिटेल हो रहा है आ जाइए आपको आपकी पूजा स्पेस दिखा दें पूजा स्पेस आपकी है कुछ पांच फुट चौड़ी और आपके पास यहाँ पे कुछ पांच फुट जगह है तो ये पच्चीस फुट की जगह जहां पे गणपति जी विराजमान है ये बन जाती है आपकी पूजा स्पेस ये एलिड लेआउट्स होते हैं जिनकी वजह से अपार्टमेंट आर सो अबाउट नथिंग ओपनिंग इनटू योर ड्राइंग डाइनिंग स्पेसेस। यू कम अक्रॉस दी देन यू हैव थ्री बेडरूम्स। कम इन टू बेडरूम नंबर टू बेडरूम नंबर टू का साइज है जी चौदह फुट ऐसे और बारह फुट ऐसे एक फुट का ये भी कमरा है बहुत सारे नए अपार्टमेंट्स देखे होंगे आपने कहीं आपको स्पेस ही नहीं मिल रही होगी यहाँ पे स्पेस भी है साइज भी है कंफर्ट भी है लोकेशन भी है प्राइस भी है और अप्रिसिएशन देखना चाहोगे ना तो यहाँ जो अप्रिसिएशन आएगी आपको बहुत जगह नहीं मिलेगी ये मैंने नवाबों वाला पोज बनाया था हीरा मंडी देख के बताया रियलाइज दैट इज गेटिंग टू मच आ जाओ अपना बाथरूम देखो बाथरूम की डायमेंशन सुन लेना बाद में मुझे मत बोलना कि चेतन बताया नहीं वैसे अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो सन सिटी रिप्लाई करें और अपना नंबर कमेंट्स में डाल दें हमारी टीम आपको इसका ब्रोशर भेज देगी पंद्रह फुट की क्लियर लेंथ है कबर्ड्स हटा के मतलब कबर्ड्स के आगे से और पांच फुट की वेट है तो पचहत्तर फुट का आपका वॉशरूम का एरिया आ, यार यू कैन सी द स्पेसिफिकेशन हाउस इज डन ऑफ वेल वी हैव ट्राइड टू ट्रिंकर योर क्रिएटिव जूसेज टू शो यू वॉट यू नो अपार्टमेंट लिविंग कैन गेट यू अगेन यू नो एवरी रूम मतलब टू रूम्स थ्री रूम्स ऑफ द हाउस हैव दिस व्यू वॉन्ट यूट किल फॉर अ व्यू लाइक दैट मतलब आई वोट किल फॉर अ व्यू लाइक दैट नीदर वुड आई डाय फॉर अ व्यू लाइक दैट बट आई वुड पे सम एक्स्ट्रा मनी फॉर अ व्यू लाइक दिस पूल और गार्डन फेसिंग व्यू है ऐसे अपार्टमेंट में आप जरूर रहना चाहेंगे Uh, मैंने अपने क्लाइंट्स को ये अपार्टमेंट दिखाया था दे रियली लव्ड इट दे वर बिल्डर फ्लो बायर्स एंड नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग दिस अपार्टमेंट लेट मी जस्ट टेल यू द डायमेंशन ऑफ दिस बैल्कनी दिस बैल्कनी इज सिक्स पॉइंट एट फीट वाइड एंड अबाउट ट्वेंटी थ्री फीट लॉन्ग सो अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फीट ऑफ स्पेस इन यूर डेक ड्रॉइंग डाइनिंग के पास डेक है कमरों में डेक है तो एक टेरेस की फीलिंग जो आप बहुत सारे लोग लेना चाहते थे ना वो आप मिस नहीं करोगे प्लस टॉप फ्लोर टेरेस के बायर्स डी एल एफ फेज़ वन में घर ले रहे हो जितनी जगह आपको मिलेगी उससे आपको कहीं ज़्यादा लग्जरी स्पेस और यूटिलिटी आपके कॉमन एरियाज़ में मिल जाएगी पता है आपको यहाँ क्या क्या है चलो आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिम्स पास लॉन पूल डेली कैफेटेरिया रीडिंग रूम मूवी थिएटर योगा रूम टेबल टेनिस कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हे भगवान इतना कुछ है अभी भी आपने वीडियो देख के कॉल नहीं किया अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अ वेस्ट यार चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी आइकन की घंटी दबाओ क्योंकि गुड़गांव की बेस्ट प्रॉपर्टियां आपको सिर्फ रियलटर्स नेक्स्ट डोर पे मिल रही हैं फ्लोर भी दिखाते हैं अपार्टमेंट भी दिखाते हैं स्टैंड स्टैंडलोन बिला भी दिखाते हैं बाथरूम देख गए नहीं देख के गए ना यार वही बात है ना आप लोगों में ना पेशेंस नहीं है मेरे को देखो गर्मी में आपके लिए शूट कर रहा हूं फिर भी लाइकों के लिए भीख मांगनी पड़ती है दे दो चलो इसी बात लाइक तो आपके आ, के बाद यूजेबल स्पेस आ रही है बाथरूम में ग्यारह फुट बाई फुट है ये हाँ ग्यारह बाई फुट तो 66 फुट का आपका बाथरूम है गाइस साइज इज अर गुड द डेंसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज गुड इट इज़ लोकेटेड बैंग नेक्स्ट टू इफ को चौक मेट्रो मार्केट्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स एवरीथिंग इज एक्सेसिबल दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी चार बेडरूम में सबसे बड़ा बेडरूम ये साइज इसका तेरह फुट ऐसे और 16 फुट ऐसे दिस इज बिल्ला बाय बॉश बिल्ला इज माय कजन फ्रॉम पंजाब ये आपको सब चीज मेजर करके बताता है बॉश वालों स्पॉन्सर कर दो मेरी वीडियोस 16 बाय 13 सॉरी 16 बाय 12 192 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस इन द रूम कमरा देखिए बिस्तर लगने के बाद सेटी लगने के बाद थ्रो लगने के बाद टेबल लगने के बाद यहाँ पे आराम से चलने की जगहें हैं इस कमरे से भी आपको वही शानदार पूल व्यू दिख रहा है जो मैंने आपको पिछले कमरे से दिखाया था आ जाइए अपने बाथरूम के अंदर मास्टर का कमरा है तो बाथरूम भी वैसा होना ही चाहिए जकूजी है यहाँ बैठ के नहाए धोए जो भी करें कैंडल लाइट लगा के बबल बाथ में बैठे ये मेरे एक्चुअली क्रिएटिव डायरेक्टर के शौक हैं कैंडल लाइट और बबल बाथ के आप भी कर सकते हैं थर्टीन बाई नाइन का कमरा है वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट होंगे महेंद्र भैया के लिए जकूजी लगा रखी है यहां पे इन्होंने तो घर में सब कुछ है अपार्टमेंट uh, अब आपने देख लिया है बिल्ट बाय अ अरेप्यूटेड बिल्डर कॉल्ड सन सिटी विच डेवलप्ड सेक्टर्स इन गुड़गांव इन वृंदावन एंड अराउंड दिस वन इज अ फोर बी एच के यूनिट ऑफ थ्री वन फाइव जीरो स्क्वायर फीट दर जस्ट फिनिशोइंग यू देर आर थ्री डिफरेंट साइजेस वी हैव ऑल थ्री साइज अवेलेबल विद द कंपनी एंड इन द री सेल मार्केट इफ यू आर अ बाय लुकिंग टू बाय अ बिल्डर फ्लोर जैसी स्पेसिफिकेशन का अपार्टमेंट दैन दिस हाउस इज जस्ट फॉर यू इफ यू हैव अट इन सन सिटी प्लेटिनम टावर और आपने अच्छे टाइम पे उसको उठाया हुआ है और अगर आप बेचना चाहते हैं उसको तो ये नीचे दिया हुआ है नंबर मुझे कॉल कीजिए मेरी टीम को डिटेल्स भेजिए और हम आपका यूनिट आपके लिए भेज देंगे सन सिटी इज बेस्ड ऑन द वेरी फेमस इफको चौक कंजंक्शन ऑफ गुड़गांव द लोकेशन इज सुशांत लोक वन This is very close to NH 48, the Galeria Market, the Ifko Chowk Metro Station, uh, Max, and Fortis Hospital. This apartment boasts of over 30 amenities, a low density project, a good builder, and of occupancy of other tenants. This is Chetan Kaushal, your favorite realtor, saying Jai Hind and Bye bye for today.